अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग जी। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ से स्टार्ट करने वाले हैं। एक प्लेयर हैं स्पेन की नेशनल टीम में, उनका नाम है पैब्लो माफियो। नॉट श्योर अबाउट द राइट वे टू प्रोनाउंस हिज नेम, लेकिन उनके बारे में एक बहुत ख़ास बात आपको ये बतानी है कि जब मेसी से पूछा गया कि आपको अपने करियर में टफेस्ट डिफेंडर कौन मिला, तो उन्होंने कहा जी मुझे माफियो साहब मिले जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। और ये हुआ ये कि जब जब इनके साथ मेसी ने खेला तो ये बहुत ज़बरदस्त मार्किंग करते थे मेसी की, और उन्हें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते थे। और इसकी वजह से मेसी ने उनसे पूछा भी कि आप मुझे इतनी टाइट मार्किंग कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी आप खेलने नहीं दे रहे, ऐसा क्यों करें? तो उन्होंने कहा मैं क्या करूँ, आप दुनिया के सबसे बेस्ट खिलाड़ी हैं और मैं आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्पेस नहीं दे सकता। अगर आप इनके स्टैट्स देखें तो इनका पेस जो है वो सिर्फ 82 है, और ना इनकी शूटिंग अच्छी है ना पासिंग कोई ख़ास अच्छी है। ये पेस में अच्छे हैं क्योंकि डिफेंडर का काम होता है कि वो स्ट्राइकर को ना बीट करे पेस में, और इनकी मार्केट वैल्यू अगर आप देखें तो वो कोई ख़ास नहीं है, तो इतने मशहूर हैं नहीं है। और इस वक्त मार्केट में जो है मिल रहे हैं कोई यहाँ पे 40,700 के, तो मैं इनको ना इसलिए ख़रीदूँगा क्योंकि मेसी अगर किसी को बोले कि वो स्पेशल है वो डिफेंडर, तो फिर वो डिफेंडर तो आपकी टीम में होना ज़रूरी है। अब ये मैं इसकी ज़्यादा क्वांटिटी इसलिए ले रहा हूँ ताकि बाद में मैं इसको पावर अप कर लूँ और इनकी मैं रैंकिंग बढ़ा सकूँ। अच्छा, ये अब आप देखें ना, इनकी जैसे पेस था 82, अब मेसी के स्टैट्स देखें, मेसी का पेस 80 है, ठीक है, और शूटिंग ऑफ कोर्स मेसी की हाई है, पासिंग हाई है, ड्रिबलिंग हाई है, ठीक है, तो पेस तो डेफिनेटली जो माफियो साहब हैं उनका बाय डिफ़ॉल्ट मेसी के जो इस वक्त जो कार्ड है यहाँ पे उससे उनका हाई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मज़े की बात ये है कि मेसी ना बहुत मुश्किल है मिलना अभी, तो वो हम आगे जाके देखेंगे भी, उनकी जो वैल्यू है मार्केट की वो बहुत हाई है इस वक्त चल रही है, और इसके लिए आपको थोड़े अपने रियल लाइफ वाले पैसे खर्चने पड़ेंगे ताकि आप ख़रीद सकें, वरना फिर आप गेम बहुत ज़्यादा खेलें जब तक कि आपको गेम में वर्चुअल जो आपको पैसे मिलते हैं वो आप आहिस्ता आहिस्ता कमाएं, और होप करें कि आपको किसी स्टेज पे मेसी साहब जो हैं वो नसीब हो जाएं। अच्छा, ये हमने यहाँ पे माफियो साहब हमने ले लिए हैं, तब तकरीबन 1 मिलियन वर्चुअल करेंसी हमने खर्च की है, तो तब जाके ये जो स्पेशल प्लेयर हैं मेसी की निगाहों में जो स्पेशल प्लेयर हैं, अभी दुनिया की निगाहों में स्पेशल नहीं है पर मेसी की निगाह में स्पेशल हैं ये, तो इनको हम रैंक अप करते हैं यहाँ पे। जी जनाब, इस वक्त राइट विंग बैक पोजीशन आपके सामने इनकी नज़र आ रही है। अच्छा, मुझे क्योंकि राइट विंग बैक है बैक पोजीशन है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ ना कुछ डिफेंडिंग टैकलिंग यू नो इस तरह कुछ यहाँ पे हो, लेकिन आप देखें यहाँ पे तो पासिंग की बात हो रही है, ड्रिबलिंग की बात हो रही है, बैलेंस होने की बात हो रही है, प्रीटी मच मिडफील्डर की जो स्टैट्स होती हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं विंग बैक की। अब ये जो तीन जो मास्टर लेवल्स जो हैं उनमें से एक विंग बैक है, एक इन्वर्टेड विंग बैक है, एक कंप्लीट या फुल विंग बैक है, तो ये विंग बैक से जो एक्सपेक्टेशंस हैं एक वो मिडफील्डर टाइप की एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पे इस पोजीशन से कि वो एक मिडफील्डर टाइप का एक का वो काम करेगा, या वो आगे मिडफील्ड में आगे बॉल पास करे, या वो बॉल कैरी करके बिल्कुल आगे तक लेके जाए, तो ये बहुत एक्साइटिंग पोजीशन लग रही है। अब ये पोजीशन पे कौन खेलते हैं हर कोई जानता है, यहाँ पे कफू खेलते हैं जो ब्राज़ील के दुनिया के बेस्ट राइट बैक माने जाते हैं, और वो राइट विंग बैक पोजीशन पे भी वो खेलते हैं विंगर पोजीशन पे। अच्छा, मैं जो हूँ ना, मुझे इसकी ना ऐसा मुझे समझ नहीं आ रही टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, कि मैं इनको किस पे मैं इनको रैंकिंग बढ़ाऊँ, तो
ऐसा करते हैं, मैं इनकी ड्रिबलिंग में इसलिए बढ़ा रहा हूँ इस उम्मीद से कि भाई उसमें इनकी एजिलिटी बढ़ रही है जिससे उनका रिएक्शन बढ़ेगा। जब एजाइल होता है कोई तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है, और मैं चाहूँगा कि मेरे जो राइट विंग बैक पोजिशन पर बंदा है वो बहुत जल्दी से रिएक्ट करे। तो मैं इनको मैंने रैंक अप कर दिया और ये 80 पे आ गए, और इनको जो है मज़ीद हम रैंक अप करते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है ताकि इनके से एट्रीब्यूट इनके बढ़ें, स्टैट्स इनके इम्प्रूव हों, और जब मैं इनका रैंक बढ़ाता हूँ तो इनकी परफॉर्मेंस इनकी बढ़ने लगेगी। ट्रेनिंग कैप जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप जानते ही होंगे, मैक्सिमम ट्रेनिंग जो एक प्लेयर ले सकता है। तो इनका ट्रेनिंग कैप भी बढ़ा है हर रैंक अप के बाद। और अब जब आखिरी रैंक अप हो रहा है तो मुझे ज़्यादा प्लेयर्स अपने देने पड़े हैं, कोई 5 के करीब देने पड़े, तब जाके मैं 100% श्योर हूँ। प्रॉबिलिटी जब आपकी लेस होती है, परसेंटेज लेस होती है रैंक अप होने की, तब आप मैं रिकमेंड करूँगा आप ना करें प्लीज़। इससे मैं 2 बार अपना नुकसान कर चुका हूँ। मैं रैंक अप कर रहा था तो प्रॉबिलिटी जब 40% थी ऐसा कुछ थी, तो मैंने तब भी मैंने रैंक अप चूज़ कर लिया था, तो मेरे वो ज़ाया हो गए थे सारे ना प्लेयर्स। तो जब तक 100% ना हो या 90% ना हो आप ना करें अपना जो है, जब ऑरेंज होती है प्रोबेबिलिटी जैसे 60% पे इस तरह कुछ, तब भी ये रिस्क होता है ना। एक बार तो मेरा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन एक बार मुझे नुकसान भी हुआ था 60% प्रोबेबिलिटी पे करने पे। जैसे अभी यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 60-70 पे ऑरेंज होता है, और 100 जब ग्रीन होता है तभी 100 होता है, और 90 पे भी ग्रीन होता है, उस पर भी शायद ना हो नुकसान, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड क्योंकि प्लेयर इतना महंगा है नहीं है। तो इसकी वजह से मैं 100% जब ये हुआ है प्लेयर, क्योंकि अब इसे रैंक अप करना ही अगर मकसद है तो गो ऑल द वे और फिर इसको रैंक अप किया जाए, ऐसा मैंने सोचा है। तो इसलिए मैंने पूरे के पूरे जितने मैंने प्लेयर्स ख़रीदे वो मैंने यूज़ कर लिए। अच्छा, अब जो है इनको हमने रैंक अप कर लिया है, इनकी ट्रेनिंग कैप 30 का है, और आज है ना जो है एक और इंटरेस्टिंग बात भी हुई है। अच्छा, पहले जो है ये जो भाई साहब है हमारे नंबर 83, इनकी मैं अब आपको ना स्टैट्स दिखाता हूँ इनके। आप ये देखें यहाँ पे ना, इनकी रैंकिंग ना 30 तक बढ़ सकती है। तो ये देखें पेस माशाल्लाह 88 पे अब इनका हो गया, तो अब पता लग रहा है कि ये बहुत अच्छा ही खेलेंगे। ड्रिबलिंग भी इनकी 88 है, और डिफेंडिंग इनकी जो है नहीं बढ़ी, ऐसा कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा था कि मैं इनकी डिफेंडिंग बढ़ा सकूं, जबकि अगर मैं ओरिजिनली मेरा प्लान यही था। तो खैर इनकी स्टैट्स अब बहुत अच्छे हो गए, और अभी आई थिंक ये अच्छा खेल पाएंगे जितनी भी दुनिया भर की जो टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी इनके। अच्छा, अब है ना आज एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ये भी थी कि पाकिस्तान वर्सेस सऊदी मैच हुआ था वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का। तो फीफा में जो है ना हमारे जो प्लेयर्स मौजूद हैं वो सिर्फ एक ही प्लेयर हमारे मौजूद हैं, और उनकी इतने अच्छे OVR नहीं है, लेकिन हम उन्हें भी हम ख़रीदेंगे, और फिर हम उन्हें भी हमें ना इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ये भाई साहब आ गए, खान भाई साहब, इनकी OVR तो बहुत कम है, लेकिन तब भी लाइक आई सेड मैं 20 लेने की ट्राई करूँगा। सप्लाई इतनी है नहीं इनकी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इन्हें ना, बार बार जाके मार्केट को चेक करना पड़ेगा, फिर ही मिलेगा। अच्छा, मैं इसलिए मेरा इंटरेस्ट जागा पाकिस्तान के प्लेयर को ख़रीदने में क्योंकि आज सऊदी वर्सेस पाकिस्तान था, और 4 गोल से पाकिस्तान हारा है 4-0, और सेकेंड गोल तो बहुत ज़्यादा कॉमिकल था, उसमें तो बिल्कुल पेनल्टी एरिया में गिरा दिया पाकिस्तानी प्लेयर ने, नंबर 6 जर्सी पहने हुए थे, और पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम भी नहीं लिखे हुए थे उनकी बैक साइड पे शर्ट्स पे, जो वो भी मुझे बहुत अजीब बात लगी। अब ये देख रहे हैं आप यहाँ पे मेसी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा महंगे अवेलेबल हैं यहाँ पे, 118 मिलियन। तो मेसी भाई को लेने का तो कोई चांस नहीं है दूर दूर तक अभी।
कोई चांस नहीं है मेसी लेने का, क्योंकि अच्छा अब ये ग्लिच एक है या सेटिंग है, ग्लिच तो मैं नहीं कहूँगा। अगर आप अपनी लैंग्वेज यहाँ पे अरबिक चूज़ करते हैं ना आके सेटिंग में, तो उससे क्या होता है कि आपको ना डिफरेंट प्लेयर्स नज़र आते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी जो रूल ब्रेकर्स नया गेम शुरू है, इसमें टोनी क्रूज़, ये जो क्रूज़ साहब हैं 91 CM जो हैं, वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। वो जब आप पास खरीदते हैं तब आपको वो मिलेंगे, ठीक है, ऐसा ही। अच्छा अब दूसरी तरफ अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, हम सेटिंग्स में जाके अपनी लैंग्वेज चेंज करेंगे, अरबिक चूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, हमें एक बहुत ही ख़ास प्लेयर हमें नज़र आएगा, और मैं चाहता हूँ आपकी स्क्रीन पे वो प्लेयर नज़र आए, तो फिर आप खुद ही देखेंगे वो प्लेयर कौन है। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे सेकंड लास्ट पे अरबिया है, अरबिक आपने इसे चूज़ किया, और फिर जब आप रूल ब्रेकर्स वाले कॉन्टेस्ट में आते हैं, और क्योंकि अरबिक राइट टू लेफ्ट रीड की जाती है तो वो बिल्कुल राइट साइड पे, तो वो ख़ास प्लेयर है नन अदर देन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनकी OVR यहाँ पे 90 की है। अच्छा मैं के एट्रीब्यूट देखने की कोशिश जब मैं करता हूँ तो एट्रीब्यूट ये नहीं दिखाता, ये डायरेक्ट जो है आपके वो जो स्टार पास है वो खोल देगा, और वहाँ पर आपको क्रू साहब नज़र आएंगे, और जो है अच्छा अगर आप नोट करें जो इनका क्रूज़ का नाम लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है और वो इन्वर्ट हो गया है नाम, तो इन्होंने जो प्लेयर्स के जो कार्ड हैं अरबिक में वो वहाँ पे सब लोगों के नाम इन्वर्टेड आते हैं। बड़ी ये फनी सी बात हुई है, ये ना स्टार पास में ना ये इनसे मिस्टेक हुई है कोई, क्योंकि नॉर्मली इनके प्लेयर्स के नाम सही नज़र आ रहे हैं, स्टार पास के अंदर इन्वर्टेड नाम आ रहा था क्रूज़ का। तो खैर ये कुछ है ना अरबिक में कुछ लिखा हुआ है, यू नो तस्दीक और रिश्ता करके अल इंतकाल करके कुछ, ये मैं स्क्रीनशॉट इसका लेके रख रहा हूँ, बाद में मैं देखूँगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है ये ना कंफर्म करेंगे, क्योंकि ये बात है ना कि तरह अभी फैल चुकी है कि रोनाल्डो मिल रहा है, अगर आप लैंग्वेज अरबिक करो तो ये अब ये तस्दीक करेंगे पहले कि भाई आप वाकई अरबिक लैंग्वेज आप यूज़र हो नहीं हो, फिर आपको ये रोनाल्डो देंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑफ कोर्स उनके अल नसर में रोनाल्डो मौजूद हैं, और रोनाल्डो बहुत फेमस है उनकी जो लीग है सऊदी लीग, तो इस वजह से वहाँ पे उनके प्लेयर्स को ये रिवॉर्ड करें, गिविंग द क्राउड व्हाट द क्राउड वांट्स। तो खैर तो ये थी बात रोनाल्डो के सरप्राइज़ की। अब क्योंकि अब हमने सरप्राइज़ देख लिया है, तो लोग जो है यहाँ पे क्लिक करके वापस से अंग्रेज़ी ज़बान का इंतखाब कर लेते हैं। अच्छा जी पाकिस्तानी प्लेयर लगते हैं और आ गए हमारे, उन्हें चेक करते हैं हम जाके, ये ऑर्डर्स में जाके चेक करते हैं। तो ये अभी पूरे इनकी सप्लाई ज़रा मुश्किल है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ही मिलेंगे ये खान भाई साहब। तो ये जो है अपडेट्स थी आज की, अगली बार हम जब मिलेंगे तो मैं फिर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आपके लिए लेके आऊँगा।